हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल प्राइम्ड, ट्रिपल प्राइम्ड और सिंगल प्राइम्ड क्या होता है कैनवस बोर्ड। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैनवस बोर्ड और कैनवस पैनल इसमें से हमको क्या बाय करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्ट पूजा हिंदी। ये एक आर्ट चैनल है, इसमें कंप्लीट बिगनर्स के लिए सारी नॉलेज प्रोवाइड करी हुई है मैंने, कुछ ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करे हुए। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो डेफिनेटली चैनल को विजिट करके जाएगा, चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी एक न्यूज। अगर आप मुझे इसकी अदर देन दिस इमेज अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मेरा एक व्लॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मेरी आप लाइफ देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी लाइफ है मेरी, बहुत सिंपल सा रूटीन रहता है मेरा। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप मेरे आर्टिस्टा पूजा व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कैनवस बोर्ड्स के ऊपर, अगर हम डालते हैं, सपोज करिए हमने अमेजोन के ऊपर डाला, ठीक है, कैनवस बोर्ड्स, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने सारे कैनवस बोर्ड्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, दिख पा रहा है आपको। तो ये जो कैनवस बोर्ड्स की यहाँ पर कैटेगरी निकल कर आती है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या बाय करना है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा कि आपको किस तरह का कैनवस बोर्ड चॉइस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये शो करती हूँ कि अगर हम यहाँ पर अमेजोन पे डालते हैं कैनवस बोर्ड्स, ठीक है, आपको कैनवस बोर्ड लेना है और आप फॉर पेंटिंग भी डाल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज निकल कर आती हैं कैनवस बोर्ड्स की। ठीक है, तो यूजुअली जब हम बिगनर होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत ही ज्यादा या तो बेस्ट सेलर लिखा हुआ है इसके ऊपर ये ले लेते हैं, या फिर हम रेट वाइज जाते हैं कि रेट वाइज में पैक, तीन का पैक मिल रहा है 214 रुपए का, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर, या तो हम मनी को देखते हैं या फिर हमने यहाँ पर देखा होता है कि ये बेस्ट सेलर है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो कैनवस बोर्ड्स के लिए जब भी आप बाय करें तो एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी किसी भी कैटेगरी को खोलते हैं तो आप उसका डिटेल्स चेक करेंगे। जैसे आपने ये वाली कैटेगरी खोली तो आप इसका डिटेल्स चेक करेंगे। 70 रुपीज का ये कैनवस बोर्ड है और इसका जो साइज है 8x10 है साइज। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखेंगे और इसके ऊपर लिखा हुआ है एसिड फ्री, जो ये वाला कैनवस बोर्ड है ना, ये वही है, इसमें बस साइज अलग है मेरे पास। ठीक है, तो मैं बताती हूँ इसकी डिटेल्स आपको। सबसे पहले आप इसकी डिटेल्स चेक करेंगे। डिटेल्स के अंदर इसमें लिखा होता है कि एसिड फ्री है और एक्रेलिक पेंटिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द क्वालिटी ऑफ द कैनवस इज एज इम्पॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ द कलर्स इन द पेंटिंग। ठीक है, कैनवस की वैसे भी हम देखें तो कैनवस की अगर कैमल की रेंज देखते हैं कैनवस बोर्ड्स में तो हरदम अच्छा ही रिजल्ट्स देती है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देती है, लेकिन यहां पर हम फीचर्स एंड डिटेल्स पढ़ना छोड़ देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर कैनवस का साइज लिखा हुआ है 8x10 तो वो तो आपको देखना ही है, साथ में आपको यहां पर देखना है कि एसिड फ्री कैनवस क्लॉथ मशीन कोटेड विथ ट्रिपल लेयर ऑफ एक्रेलिक प्राइमर लिखा हुआ है यहां पर। लेकिन यहां पर ट्रिपल लेयर ऑफ एक्रेलिक प्राइमर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं काम करती हूं इस कैनवस बोर्ड पर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये ट्रिपल लेयर्ड एक्रेलिक प्राइमिंग है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब रीजन क्या है, क्यों इन लोगों ने लिख तो दिया लेकिन ये चीज हमको लगती नहीं है ऐसी, तो रीजन क्या है इसका। रीजन ये है कि ये जो ट्रिपल प्राइम करते हैं ये बहुत ज्यादा उसको थिन करके प्राइम करते हैं, जो कि हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी कैनवस बोर्ड आप चॉइस करते हैं, जैसे कैमल के कैनवस बोर्ड की बात करते हैं, तो घर पर एक प्राइम का लेयर, प्राइमिंग लेयर जरूर कर लो आप, नहीं तो आपको पेंटिंग करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी, देखो सिंगल लेयर अगर प्राइम्ड है तो इसका मतलब आपके इसके ऊपर एक सिंगल लेयर जैसो की लगाई हुई है उन्होंने। ठीक है, यहां पर जैसो मैं इस जैसो की बात कर रही हूं, लेकिन यहां पर ये लोग ये वाला जैसो यूज नहीं करते हैं, ये जो यूज करते हैं सिंपल एक्रेलिक कलर्स भी कई बार यूज कर लेते हैं। सिंपल एक्रेलिक कलर की बात करें तो ब्रांड मत देखिएगा आप, केवल अगर ये वाला एक्रेलिक पेंट्स आप देखते हैं तो ये बहुत थिन कोटेड है और इसको अगर आप लगा दोगे तो भी आपको ऐसा ही लुक मिलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनी होती है, मैं यहां किसी कंपनी के अगेंस्ट में भी नहीं हूं और किसी कंपनी के फेवर में भी नहीं हूं, मैं यहां पर एक कॉमन बात कर रही हूं आप लोगों के साथ कि
ये वाला जो कैनवस बोर्ड रहता है, क्योंकि इसका रेट देखिए आप यहाँ पर, इसका रेट काफी अच्छा इन लोगों ने इकोनॉमिक रेट दिया है, 70 रुपीज ही यहाँ पर दिया है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो क्लॉथ होता है वो मशीन, इन लोगों ने लिखा हुआ है क्लियरली कि मशीन से यहां पर लगाया हुआ है कि ये क्लॉथ, और इसके ऊपर ट्रिपल प्राइम्ड लेयर एक्रेलिक प्राइमर की करी हुई है। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि यहां पर जेसो प्राइम किया हुआ है। तो पहली चीज कि आपको ये जो डिस्क्रिप्शन में ये जो फीचर्स एंड डिटेल्स है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में यहां पर लिख रखा है कि कैमल कैनवस बोर्ड इज मेड अप ऑफ लाइट वेटेड नॉन बाइंडिंग बोर्ड। अब इन्होंने अपनी कोशिश के साथ नॉन बाइंडिंग बोर्ड इसमें दिया होता है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग नहीं होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक दो हैवी पेंटिंग्स मैंने करी हुई हैं जिसके ऊपर मैंने टेक्सचर्स लगाए थे, तो या तो वो बोल दीजिए दीवार की नमी की वजह से बाइंड हो गया था, या फिर ये बाइंड हो जाता है, तो ये नॉन बाइंडिंग भी नहीं होता है। आइडल फॉर ऑल टेक्निक्स इंक्लूडिंग हैवियर एंड एप्लीकेशन फॉर द कलर्स। इन लोगों ने लिख रखा है कि आइडल फॉर ऑल टेक्निक्स, हैवियर टेक्निक्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हैवियर टेक्निक की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं इसके अंदर जो है कॉइंट्री वगैरह बना के चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई कई केसेस में ये बाइंड हो जाता है, तो हो सकता है वहां पर गलती हमारी वॉल की भी होती है कि हमारा जो वॉल है उससे ये मॉइस्चर ले लेता है, क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बोर्ड ही तो है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब अगर हम वापस से बैक करते हैं तो मैंने ये वाला भी एक मंगा के देखा था, बट अगर मैं आपको गाइड करूंगी तो मैं बोलूंगी कि तो वैसे तो नवनीत का है ये कैनवस बोर्ड, लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो इन लोगों ने लगा रखा है जेसो नहीं है वो, और एक बार इसका डिस्क्रिप्शन, एक बार इसका हम फीचर्स पढ़ते हैं, देखिए फिर आपको क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर काफी अच्छा इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं बाय करने से पहले, जो कि हमको बाय करने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है ग्रेन्ड है, 12x16 का साइज है जो मैं देख रही हूँ, और सूटेबल फॉर द पोस्टर कलर एक्रेलिक एंड ऑयल पेंट्स एंड फेब्रिक कलर्स, ठीक है। डबल लेयर ऑफ एक्रेलिक जेसो प्राइम्ड, इन्होंने लिखा है क्लियरली कि इसके ऊपर डबल लेयर किया हुआ है जेसो प्राइम का, ठीक है। अब डबल लेयर बिल्कुल किया हुआ होगा मैं मानती हूं, लेकिन जो प्राइमिंग ये लोग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा पतला जैसो यूज करते हैं, वाटर ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से उतना मजा नहीं आता है पेंटिंग करते समय, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब आप क्या करोगे, मतलब आप फिर हम क्या बाय करें मैम, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो था ये आप में से किसी मेरे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, इंडिया से बाहर से थी वो, और वो देख रही थी कि कैनवस बोर्ड कौन सा बाय करें, तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी वो, तो उनको मैंने समझाया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी ये मुझे बनाना चाहिए वीडियो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम कौन सा कैनवस बोर्ड बाय करें, तो यहां पर मेरे पास तीन देखिए वैरायटीज हैं कैनवस बोर्ड की, और इसके अलावा अगर आप यहां पर कैनवस बोर्ड फॉर पेंटिंग प्रोफेशनल्स डालेंगे, है ना, प्रोफेशनल्स अगर आप डालेंगे तो आपको एक अच्छी रेंज निकल के आएगी आपके पास, लेकिन उसमें भी आपको एक बार ध्यान से देखना है कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। अब प्रोफेशनल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ब्रस्टो की भी निकले हुए हैं और यहां पर कैमल के भी निकले हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आपको बाय करने हैं तो कैमल के बाय करिए, ये जो है सॉरी कैमल के बाय करिए, या फिर आप फाइन आर्ट के जो पेडेलाइट के हैं ये बाय करिए, बहुत अच्छे हैं। मेरा कोई पेड रिव्यू नहीं है, किसी भी कंपनी के साथ मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे हैं, तो ये आप बाय कर सकते हो, ये मैंने स्ट्रेच कैनवस दिखाया, लेकिन आप कैनवस बोर्ड्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि प्रोफेशनल रेंज के अंदर वो आ रहा है या नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल रेंज में खोलते हो तो आपको सभी तरह के वापस वो दिखाने लग जाता है जो आपने पहले सर्च करे थे, तो एक बार उस चीज से भी आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम प्रोफेशनल रेंज खोलते हैं, स्ट्रेच कैनवस की एक प्रोफेशनल रेंज निकल के आती है, बहुत ही बढ़िया रहते हैं स्ट्रेच कैनवस, थोड़ा सा महंगा जरूर रहता है, जैसे 12x16 का अगर आप ये वाला देखते हो फाइन आर्ट का स्ट्रेच कैनवस, तो ये 300 रुपए का यहां पर शो हो रहा है, ठीक है, बट ये बहुत अच्छा रहता है, इसके ऊपर आपको जेसो की प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात कर रहे थे कैनवस, यहां पर कैमल के कैनवस बोर्ड्स की, ठीक है। तो ये वाला कैनवस बोर्ड मैंने मंगाया हुआ है, इसको मैंने यूज भी किया हुआ है, अगर आप ये मंगाते हो, नवनीत का है ये, वैसे इन्होंने युवा करके लिखा हुआ है यहां पर, एक्रेलिक प्राइमिंग कर रखा है इन लोगों ने इस पर,
तो आपको एक जैसो की यहां पर कोट लगानी जरूरी है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार नहीं रिजल्ट्स देगा। ओके, दूसरा मैं आपको यहां दिखा रही हूं ये जो कैमल का बोर्ड है, ये कैमल का जो बोर्ड है इस पे भी एसिड फ्री लिखा है, एक्रेलिक प्राइमिंग लिखा है, लेकिन इतने मजेदार ही आपके पेंटिंग में नहीं इफेक्ट देगा ये भी। तो इसके लिए भी आपको एक जैसो का लेयर यहां पर लगा देना चाहिए। ठीक है, जैसो का लेयर लगाने के लिए मैंने एक दो वीडियो और बना रखे हैं, आप चेक करिएगा किस तरह से लगाना है। आपको ब्रश से भी लगा सकते हो, पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हो, तो वो भी आप चेक करोगे। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करती हूँ फेबल कैसल के ये कैनवस बोर्ड की, जिसपे मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रोफेशनल लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करती हूं तो मैं इसको पूरे 10 out of 10 दूंगी। इसमें आपको जैसो की प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है। मीडियम ग्रेन 100% कॉटन बोल रखा है इसने, एक्रेलिक डबल जैसो प्राइम्ड बोल रखा है, और सुटेबल फॉर एक्रेलिक एंड ऑयल पेंटिंग बोल रखा है। बहुत ही अच्छे कैनवस बोर्ड है, आप यहां पर प्रोफेशनल देख कर लोगे जब भी आप कैनवस बोर्ड लेते हो तो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कई बार ना, तो मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज क्लियर नहीं है कि कैनवस बोर्ड जब हमको लेना है, हमको पेंटिंग तो करनी है लेकिन मटेरियल के रिगार्डिंग हमने देख लिया कि वीडियो में दिखाया कि कैनवस बोर्ड चाहिए, एक्रेलिक पेंट्स चाहिए, और अब हमको ऑर्डर करना है, तो कैनवस बोर्ड जब हम देखते हैं तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज हमको क्लियर नहीं होती है, तो उस वजह से हम गलत कैनवस बोर्ड ऑर्डर कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक जरूर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैनवस बोर्ड्स जब आप लिखते हो तो एक कैनवस पैनल्स का भी आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पैनल्स फॉर पेंटिंग, कैनवस पैनल्स क्या होते हैं? कैनवस पैनल्स होते हैं लकड़ी के कटे हुए पीसेस, ओके, जो बहुत ही स्मूथली फिनिश्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया में खोलते हैं ये, तो यहाँ पर कैनवस पैनल्स ये दिखाई नहीं रहा है, कैनवस पैनल लिखा है मैंने फॉर पेंटिंग, तो ये कैनवस बोर्ड ही दिखा रहा है एक्चुअली। तो कैनवस पैनल्स वो होते हैं जो लकड़ी के कटे हुए पोर्शंस होते हैं और जिसको प्राइम किया हुआ होता है जैसो से, तो वो होते हैं कैनवस पैनल्स। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, प्लीज एक बार सर्च देखिएगा बाय करने से पहले, अगर आप बिगनर हैं तो कैनवस पैनल्स मत मंगाना, कैनवस पैनल्स उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रहा होगा, है ना। इसका एक बार हम फीचर्स चेक कर लेते हैं जब हमने खोला है तो, और इसमें ये बता रहा है कि ये ग्रेन टेक्सचर्स वेल सुटेबल नेचर, वाटर कलर के लिए भी अच्छा है ये, और इन लोगों ने बता रखा है ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए भी अच्छा है ये, बट वाटर कलर पेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता ये सुटेबल है। बट ये लोग लिखते हैं, इन लोगों को एक्चुअली पूरा या तो बोल लीजिए नॉलेज नहीं होता है, या मुझे नहीं पता क्या रीजन रहता है, बट यहां पर जो लिखा हुआ होता है इसको जरूर चेक करना है। 100% कॉटन कैनवस सरफेस, द कैनवस डज नॉट एब्जॉर्ब पेंट्स एंड वाटर क्विकली ड्यू टू द जो जैसो प्राइम्ड है, इसकी वजह से ये अच्छे से क्विकली डिजॉल्व हो और यहां पर ड्राई हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे करके देखेंगे ना, जूम करके, तो आप यहां पर एक बार देखोगे कि ये जो सरफेस है ना, ये ग्रेन्ड है, ये पैनल नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर आप इसको अच्छे से देखोगे जूम करके, तो आप यहां पर देखोगे कि काम करने में ये इफेक्ट दे रहा है आपको कैनवस बोर्ड का, तो ये पैनल नहीं है। लेकिन मैंने इसको क्या देखा, मैंने इसका जो टॉप हेडिंग था वो क्या था, कैनवस पैनल, कैनवस पैनल बोर्ड, तो यहां पर मिसगाइड हो जाते हैं। कैनवस पैनल बोर्ड करके हम पैसे तो काफी सारे दे देते हैं और बेसिकली वो निकलता तो एक ये वाली जो पेंटिंग है ये बर्ड की पेंटिंग है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाई थी, मैं आप लोगों को नहीं सिखा पाऊंगी ये पेंटिंग क्योंकि ये कॉपीराइट ऑप्शंस में आती है। ठीक है, तो ये वाली पेंटिंग जो है बर्ड की पेंटिंग है, ये मैंने सिखाई थी, और ये जो मैंने बनाई थी कैनवस बोर्ड पर बनाई थी। आप अगर इसको क्लोजली देखोगे तो आपको कैनवस बोर्ड यहां पर क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कैनवस बोर्ड है ये फेबल कैसल का कैनवस बोर्ड है। साथ ही में आपको ये अक्सर एक पेंटिंग देखने को मिलती है जो ऑयल पेंटिंग है, जो कृष्ण भगवान की पेंटिंग है ऑयल पेंटिंग, ये मेरे काफी वीडियोस में है तो पीछे बैकग्राउंड में लगी रहती है, बहुत ही फेवरेट पेंटिंग है मेरी ये। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक शाइन आपको दिखेगी, ये ऑयल पेंट्स की वजह से दिख रही है आपको शाइन, और फेस अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा निकल के आया है, तो ये ऑयल पेंट्स की वजह से निकल के आया है फेस, है ना। ये भी मैंने बनाया है कैनवस बोर्ड के ऊपर ही।
तो मुझे लगता है अब आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हमको कैनवस बोर्ड को बाय करना है और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी है। और कैनवस पैनल्स एक्चुअली यूजफुल नहीं होते हैं बिगनर्स के लिए, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आप बाय करें। कैनवस बोर्ड आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो मैंने आप लोगों को बताया उन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा और आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मेरा मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो उस क्वेश्चन को, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो जैसा मैंने शुरू में बताया था आप चैनल को विजिट करके जरूर जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन, तो आपको मेरे रेगुलर वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।